दोस्तों इस वीडियो में छोटे बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म मेडी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है बताएंगे। तो सबसे पहले मेडी का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 22 इंच, सीना है 22 इंच, शोल्डर 10 इंच और कॉलर है 10.5 इंच। तो यहाँ पर इस कपड़े में हम मेडी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो इस तरह से कपड़े को डबल कर लेंगे, पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करके यहाँ पर कपड़े को बिछाएंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेंगे। तो सबसे पहले बॉटम की तरफ फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर हम नीचे का स्कर्ट कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद ऊपर का कटिंग करेंगे। मेडी की लंबाई है 22 इंच, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 22 इंच पे रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम स्कर्ट का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम स्कर्ट को कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए नीचे का जो स्कर्ट रहे तो उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको स्कर्ट नीचे बनाएंगे, इसके बाद हम ऊपर का भाग कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल करके यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए डबल कर लेंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की लंबाई हम 11 इंच रखेंगे, तो 1 इंच प्लस करके 12 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ 1/2 इंच दबाव रहेगा, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ, 1/2 इंच ऊपर की तरफ दबाव चला जाएगा, तो हमारा रेडी होकर यहाँ पर आएगा ऊपर का भाग 11 इंच। तो यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर का, 1/2 5 इंच, 1/2 इंच मार्जिन का। यहाँ पर आर्म होल लेंगे 5 इंच। इसके बाद सीने का निशान लगाएंगे, तो सीने का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन, तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे, गला है 10.5, तो यहाँ पर 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से नीचे 4.5। इसके बाद यहाँ पर भी हम 2.25 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों का कटिंग एक साथ करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से और कटिंग कर लेंगे अंदर की साइड। इसके बाद गले को भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके बाद बैक पार्ट को हम कटिंग करेंगे गले को, तो यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच, यहाँ पर 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, ये देखिए इस तरह से। ये ऊपर का साइड है और नीचे का जो स्कर्ट है उसको हम इसमें बनाएंगे, तो किस तरह से दिखेगा दोस्तों देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ छोड़ देंगे दबाव के लिए, और इस तरह से यहाँ पर चुन्नट देते हुए इसको रखेंगे। तो इसी तरह से हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा नीचे का स्कर्ट है, ऊपर साइड है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम इसकी सिलाई देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा ऊपर का साइड है मिडी का, तो ये ऊपर का साइड को हम पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गले को इस तरह से पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर एक पट्टी ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। इसके बाद यहाँ पर गले में इसको इस तरह से फिट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से तिरछा कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर हम चौकोन गला बनाए हैं। यहाँ पर भी इस तरह से इसको फिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कट लगाएंगे, दोनों साइड कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक बार ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इसके बाद हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चुन्नट डालने के लिए इस तरह से हम कट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, और जहाँ पर हम निशान बनाए हैं उतना ही लंबाई रखेंगे चुन्नट का। उसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर चुन्नट दे देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम चुन्नट दे देंगे दोनों साइड। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम नीचे का स्कर्ट अटैच करने के लिए किस तरह से कट लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ इंच पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि दबाव रहेगा हाफ हाफ इंच, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, तीन बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर साइड साइड में कट लगाएंगे जहाँ पर फोल्ड किए हैं, देखिए इस तरह से इस साइड भी कट लगाएंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे सभी को, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम कट लगाएंगे, तो इस तरह से निशान बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर हम चाक से इस तरह से निशान को और लगा लेंगे इस तरह से यहाँ पर, देखिए, ताकि हमको पहचान आए। इसके बाद दूसरे पल्ले में भी हम इसी तरह से यहाँ पर निशान बना लेंगे, देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पर कट लगा हुआ है वहीं पर हम कट लगाते जाएंगे, सभी जगह कट लगाते जाएंगे। इसके बाद हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल की तरफ पट्टी डालेंगे, तो ये देखिए इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। इसके बाद यहां पर इस तरह से हम सिलाई करते हुए इसको फिट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से फिट कर लेंगे, जहाँ पर ज़्यादा गोलाई है वहाँ पर इस तरह से चुन्नट लगाएंगे ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो आसानी होगी। उसके बाद ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद अंदर की साइड ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पर भी। इसके बाद एक साइड को इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर लगभग हाफ इंच अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और इसको बंद कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम स्कर्ट में भी इसी तरह से कट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच पे कट लगाएंगे क्योंकि दबाव रहेगा। उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, जिस तरफ ऊपर की साइड को हम कट लगाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी स्कर्ट की साइड को कट लगाएंगे। तो इस तरह से तीन फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साइड साइड में कट लगाएंगे जहाँ पर फोल्ड हुआ है, ये देखिए इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद सभी को पकड़ेंगे और इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ऊपर साइड को हम इसी तरह से कट लगाए हैं तो नीचे की साइड स्कर्ट की साइड को भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे तभी फिट होगा। इसके बाद एक साइड को यहां पर सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ऊपर साइड को इस तरह से रखेंगे खोल के और नीचे वाले स्कर्ट को इस तरह से फिट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर कट लगा हुआ है उसको मिलाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, चुन्नट लगाते जाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसको मिलाते जाएंगे कट को, दोनों साइड के कट को, और इस तरह से चुन्नट देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों हम स्कर्ट को आसानी से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट पट्टी। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे, दो सामने की तरफ रहेगा, दो पीछे की तरफ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसके बाद उल्टा करेंगे इसको और यहाँ पर साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे और यहाँ पर साइड में सिलाई लगाते जाएंगे लगभग हाफ इंच अंदर की तरफ। इसके बाद हम बॉटम की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरे घेरे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मिडी कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।